घोषित किया है। इस जुमले पत्र में जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से पूरे नहीं किए, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने 2014 में जब चुनाव लड़ा तो उनका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण वादा था देश के युवाओं को, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी ने वादा किया था, या ये कहें कि 2014 में भी मोदी जी ने जुमला दिया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने वाले हैं, लेकिन आज 10 साल बाद 2024 के इस जुमले पत्र में वो नौकरियों का आंकड़ा देने को भी तैयार नहीं है। कहीं पर इस 75 पेज के डॉक्यूमेंट में ये आंकड़ा नहीं दिया है मोदी जी ने कि 10 साल में कितने युवाओं को बेरोजगारी दी। एक्चुअली दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खुद देश के संसद में आंकड़ा दिया है कि 10 साल के अंदर 20 करोड़ तो छोड़िए, 2 करोड़ नौकरियां तक पैदा नहीं हुई हैं। मोदी जी ने तो आंकड़ा नहीं दिया, पर मैं आपको आंकड़ा देती हूं बेरोजगारी का। आज भारत के इतिहास में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज भारत में यूथ एम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम लो पर है। युवाओं के आंकड़ों को अगर हम देखने जाएं तो हमारे देश में 25% युवा बेरोजगार हैं। अगर हम ग्रेजुएट्स का एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा देखने जाएं, तो आज भारत देश में ग्रेजुएशन करने वाले 45% युवाओं के पास रोजगार नहीं है। ये हैं मोदी जी के 10 साल के वादे, ये है जो मोदी जी ने पिछले 10 साल में इस देश के युवाओं के लिए किया। दूसरा, जो मोदी जी ने 2014 में वादा किया था, जो उनका दूसरा सबसे बड़ा स्लोगन था, जो उनका दूसरा सबसे बड़ा जुमला था, बहुत हुई महंगाई की वार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कितनी कम हुई है उसका तो आंकड़ा मोदी जी दे नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप पिछले 10 साल के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उठा के देखिए तो 10 साल में क्यूमुलेटिव रूप में, 10 साल में टोटल में, 2014 से 2024 तक भारत में 70% महंगाई बढ़ी है। ये पूरे दुनिया के देशों में टर्की के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत नौकरियों में ऊपर नहीं है, भारत आर्थिक विकास में आगे नहीं है, भारत जीडीपी में ऊपर नहीं है, लेकिन दुनिया के आंकड़ों में, इंटरनेशनल आंकड़ों में, महंगाई में दुनिया में नंबर 2 पर मोदी जी ने भारत को पहुंचा दिया। मोदी जी ने 2014 में एक और जुमला दिया था, उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय को दुगुना करेंगे। ये 10 साल पहले मोदी जी ने वादा किया था, आज इस वादे से भाग गए हैं। इस 75 पन्ने के डॉक्यूमेंट में, इस 75 पन्ने के जुमला पत्र में आज मोदी जी ये कह भी नहीं पा रहे हैं, आज भारतीय जनता कह भी नहीं पा रही है कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। ये वो सरकार है
जिसने किसानों की आय को दुगना करना तो छोड़िए, 3 किसान विरोधी काले कानून संसद में पास किए। इन 3 किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ महीनों तक देश भर से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे। 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी फिर भी किसानों से नहीं मिले। किसानों से वादा करके कि हम ये 3 कानून वापस ले रहे हैं, हम MSP का कानून लेके आएंगे, किसान आंदोलन को खत्म करवाया, लेकिन आज तक मोदी जी MSP का कानून नहीं लेके आए। जब 2 महीने पहले किसान फिर से दिल्ली आके शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे, तो देश के अंदर मोदी जी ने किसानों के विरोध में सरहद बना दी। 2-2 4-4 फुट बड़े बड़े कील लगा दिए, ऐसी सरहद बना दी, ऐसी तारें लगा दी, ऐसे कील लगा दिए जो शायद भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं मिलेंगे। ऐसे किसान विरोधी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और आज अगर आप इस जुमले पत्र को उठा के देखिए, तो कहीं पर भी फार्मर्स इनकम की बात नहीं है। 10 साल में अपने वादे से मुकर गई भारतीय जनता पार्टी। आप इस जुमला पत्र को उठा के देखिए, कहीं पर भी MSP के कानून की बात नहीं है। किसानों से अपने वादे को, दिए हुए वादे को मुकर गई भारतीय जनता पार्टी। ना सिर्फ युवाओं के साथ अत्याचार हुआ, ना सिर्फ महंगाई बढ़ी, ना सिर्फ किसानों के साथ अत्याचार हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर भी भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोगों को धोखा दिया। युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को एक तरफ नौकरियां चाहिए और उससे पहले अच्छी शिक्षा चाहिए। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो शिक्षा का बजट बढ़ाकर सरकारी स्कूलों को बेहतर कर रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है, वहीं पर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के सरकारी स्कूल घट रहे हैं। 2014 में पूरे भारत में मिलाकर 11 लाख सरकारी स्कूल होते थे। आज ये मोदी जी के 10 साल की सरकार के बाद ये आंकड़ा 1 लाख स्कूल से कम हो गया है और आज पूरे भारत में सिर्फ 10 लाख सरकारी स्कूल रह गए। आज इस जुमला पत्र में मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि हम अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, आयुष्मान भारत के माध्यम से देंगे। इससे बड़ा जुमला शायद इस पूरे जुमले पत्र में कहीं नहीं होगा। जिस आयुष्मान भारत का डंका बजा रही है भारतीय जनता पार्टी, पिछले साल में पूरे देश भर में आयुष्मान भारत पर पूरा खर्चा मात्र 8,000 करोड़ हुआ है, जो दिल्ली जैसे छोटे से राज्य के भी स्वास्थ्य बजट से कम है। दिल्ली का हेल्थ का बजट 9,500 करोड़ रुपए है प्रति वर्ष, और पूरे देश में जिस आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से जुमले दिए जा रहे हैं कि हम स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, उस आयुष्मान भारत पर पिछले साल मात्र 8,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अरे आयुष्मान भारत से इलाज कैसे देंगे अगर अस्पताल ही नहीं होंगे? अगर अस्पताल नहीं होंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, टेस्टिंग की सुविधा नहीं होगी, तो आयुष्मान भारत की स्कीम से लोग पैसे से इलाज करवाएंगे? लोग ड्रिप के माध्यम से पैसा चढ़ाएंगे? आज इस देश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में अपने जुमलों के माध्यम से धोखा दिया है। आज इस देश के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं, आज इस देश की गृहिणी महंगाई से परेशान हैं,
सिलेंडर का दाम 300 रुपए से 1200 रुपए पहुंच गया, डीजल का दाम 55 रुपए से 90 रुपए पहुंच गया, पेट्रोल का दाम 75 रुपए से 100 रुपए पर पहुंच गया। आज इस देश के हर परिवार को अपना खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही है। आज किसान के पास अपनी फसल बेचने का तरीका नहीं है, अपनी आय बढ़ाने का तरीका नहीं है। आज बच्चों के लिए सरकारी स्कूल नहीं है, देश के किसी नागरिक के लिए स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। तो आज जो जुमला पत्र भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया है, देश के कोई भी लोग उस पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को पूरे देश ने देख लिया, युवाओं ने देख लिया, महिलाओं ने देख लिया, गृहणियों ने देख लिया, और इस बार इन जुमलों के खिलाफ देश के लोग जरूर वोट डालेंगे। थैंक यू। देखिए, जब आप 10 साल सरकार चला चुके हैं तो आप आने वाले समय के वादों की बात नहीं कर सकते। आपको अपने काम के आधार पर वोट मांगना पड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में इतनी हिम्मत है जो अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 के चुनाव में जो घोषणा करी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज आके देश के लोगों को कहेंगे कि अगर मैंने 10 साल में काम किया है तो मुझे वोट दो, और अगर मैंने काम नहीं किया है तो मुझे वोट मत दो? इतनी हिम्मत है क्या उनमें? नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि 10 साल पहले जो वादे किए थे उनको आज के इस घोषणा पत्र से, आज के इस जुमला पत्र से उनको गायब करना पड़ा है। आज 2 करोड़ का आंकड़ा क्यों नहीं देते हैं वो इसमें? आज फार्मर्स इनकम को डबल करने का आंकड़ा क्यों नहीं देते हैं? आज MSP के कानून का वादा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया है, और उनको भी पता है कि आज देश की जनता उन पर विश्वास नहीं करती। देखिए, मैं तो एक ही छोटा सा सवाल पूछूंगी कि 10 साल के बाद आपको वादे करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 10 साल के बाद अगर आपने काम किया है तो आप अपने काम के आधार पर वोट मांगिए। आप सीना ठोक के कहिए कि जिन लोगों को हमने नौकरियां दी हैं वो हमें वोट देंगे, जिन लोगों को हमने 24 घंटे बिजली दी है वो हमें वोट देंगे, जिन युवाओं को हमने रोजगार दिया है वो हमें वोट देंगे, जिन महिलाओं की जिंदगी हमने आसान बनाई है, जिनके लिए घर चलाना हमने आसान बनाया है, वो हमें वोट देंगी? क्या हिम्मत है मोदी जी में ये कह के दिखाएंगे? अगर 10 साल के बाद भी कोई सरकार